नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सोमवार को होली के मौके पर अपने पैतृक घर इटावा के सैफई में जमकर फूलों की होली खेली। उन्होंने अपने आवास पर बनाए गए मंच से एसपी कार्यकर्ताओं के ऊपर जमकर फूल बरसाए। इस दौरान एसपी के महासचिव राम गोपाल यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ हर साल की तरह इस साल भी अपने आवास पर फूलों की होली खेली। इसके लिए कार्यकर्ताओं को बतौर आमंत्रण भी दिया गया था। आपको बता दें, इस मौके पर मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह मौजूद नहीं थे। देश में चर्चा का केंद्र रहने वाले सैफई की होली अब दो खेमों में बट गई है। एक खेमा जहां मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव हैं, तो दूसरी तरफ एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, भाई रामगोपाल यादव और परिवार के तमाम छोटे बड़े राजनीतिक और गैर राजनीतिक सदस्य खड़े हुए दिखाई दिए। इस बार होली पर अखिलेश और शिवपाल का मंच अलग अलग सजा। जीवन में जोश और उमंग पैदा करने वाले रंगों के पर्व होली के मौके पर मुलायम कुनबा अपने आंगन में एक साथ जमा हुआ करता था, लेकिन आज पूरी तरह से अलग थलग नजर आया। लंबे अरसे से अपने भतीजे अखिलेश यादव से वैचारिक मतभेद के चलते प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन कर चुके शिवपाल सिंह यादव ने होली के मौके पर इस बार एक नई इबारत लिखी है। उन्होंने अपने पिता सुधर सिंह के नाम पर स्थापित किए गए एसएस मेमोरियल स्कूल में होली का जश्न अपने समर्थकों के साथ मनाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।